गुस्सा ना करे, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ओ तो मुझे पता है, मैं बड़ी प्यारी खूबसूरत सी हूँ। गुप्लू गुप्लू, हाँ 150 वाला पल्ला। अशाला अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दे, आप जिनका तकिया बनती जा रही हैं। चल मैं उठ, चल निकल बाहर, तेनू इज्जत देनी है। बात तो सुने प्रिया जी, चल बाहर। प्रिया जी बात है ते लैन के आए, फिर इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं मेरा? चल निकल इथों बाहर। अपनी उम्र दा लिहाज कर, तेरी धीआं वरगियां क्यों जुगता मार रहे? तेनू बोता शौक है, जा जा के अपना शौक ला स्टेज ते। ए कौन है, इन्हू बाहर कड्डो है। मैं ते सीनियर समझ के इन्हू इंटरव्यू दे रही हूं, ते तू मेरे सिर ते थप्पी जा रहे हैं। तेरी इज्जत कर रही हैं ते मेरे सिर ते चाड़ रहे हैं। निकल जा बाहर हुण, मेरे कमरे च तो वड़िया ना, मैं जुत्ती ला के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं अल्फला थिएटर, जहां पे प्रिया खान साहबा ड्रामे में परफॉर्म कर रही हैं। आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक जी। प्रिया जी आप सुनाएं। मैं भी ठीक अल्लाह का शुक्र। आप भी एक्टर, आपकी वालदा भी एक्टर, अब्बू प्रोड्यूसर और भाई भी एक्टर, ये एक्टिंग आपको क्या विरासत में मिली है या सियासत में? नहीं नहीं जी, सियासत में तो नहीं मिली, बस होता है ना शौक की बात होती है, किसी बच्चे के अंदर शौक हो तो। मेरे अंदर शुरू से बड़ा शौक था। आप छोटी सी उम्र में जब एक्टिंग करने के लिए आई तो हम आपको देखा करते थे, आप एकदम बड़ी हो गई, क्या खाया? खाया तो कुछ नहीं, बस वक्त के साथ साथ होता है, और काम भी किया, फिर सीखा भी सबसे, सीनियरों से, ठीक है, जितने भी मेरे सीनियर थे उनसे सीखा, उन्होंने सिखाया, उन चीज़ पे अमल किया, तो आज उस मुकाम पे अल्लाह ने मुझे भी खड़ा किया। किस से मुतासिर होकर फील्ड में आए? हम तो आपकी अम्मी की फिल्में देख देख कर मरने वाले हुआ करते थे, आपने कौन सी फिल्म नहीं की? नहीं नहीं मैंने बहुत सी फिल्में की हैं, मैंने सराइकी फिल्म की है, उर्दू की है, पंजाबी की है, और पश्तो फिल्में काफ़ी की हैं, और मुतासिर में हुई थी मैं शुरू से, बचपन से मैडम नरगिस की बहुत बड़ी फ़ैन थी, और मैं उन्हीं की शागिर्द हूँ। आपको पता ही है इस फील्ड में उनकी कोई शागिर्द नहीं है सिवाय मेरे, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, काम सिखाया, और जिस तरह उस्ताद कहता गया उस तरह मैं करती रही। फिर माँ उस्ताद थी, ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया, अब्बू ने भी काफ़ी, यानी कि पूरी सपोर्ट थी मेरे साथ ना। पूरी एक्टिंग विरासत में मिली है, और ये तो एक्टिंग का एक बम्बा है, बल्कि एक पहाड़ ठहरे, क्योंकि वालदा भी एक्टर, भाई भी एक्टर और खुद भी एक्टर। आपने अल्फला थिएटर और स्टेज ड्रामा में सबसे पहला ड्रामा कौन सा किया? मेरा सबसे पहला जो ड्रामा था ना लाइफ का, वो मैंने लाहौर में नहीं किया था, वो मैंने उकाड़ा किया था, और उसके प्रोड्यूसर थे अली रज़ा, उसमें मैडम खुशबू थी, ज़ारा अकबर थी, और मैं थी, लाहौर से जो कास्ट गई थी, और कैसर पिया था, वो मेरा पहला ड्रामा था। लेकिन उससे पहले मैंने एज ए चाइल्ड स्टार टीवी सीरियल किया था PTV से, कलमूही, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर सरमत खोसर साहब थे, और उसके बाद मैंने फिल्म की, ठीक है, वो अरशद खान की फिल्म थी, ठीक है, और उसके बाद मैं थिएटर में आई थी। लोग तो हिट होने के लिए वल्गैरिटी का सहारा लेते हैं, आपने सहारा लिया या नहीं? मुझे मैंने आज तक वल्गैरिटी का सहारा नहीं लिया, यहाँ तक कि मैंने वल्गर ड्रेसेस नहीं पहने। वो इसलिए नहीं पहने क्योंकि मेरी माँ की बहुत इज्जत थी, उसने बड़े मेहनत से अपना नाम बनाया था और काम करके बनाया था, और उस दौर में तो गाने भी नहीं चलते थे, उस दौर में पूरा ड्रामा होता था, तो मैंने ये देखना था कि मेरी माँ बाप की इज्जत ना ख़राब हो। अगर मुझे उन्होंने भेजा है, उन्होंने सपोर्ट किया है, तो मैं उनका नाम बरकरार रखूँ कि भाई लोग कहें हाँ भाई जमूरत खान ने भी चंगा काम किया, उसकी धी भी चंगा काम कर रही है। लाहौर का जो तलफ़ुज़ है रे, आपका तो बड़ा अच्छा तलफ़ुज़ है, आपने ये तलफ़ुज़ ठीक किया या खुद ब खुद ठीक हो गया? अच्छा, पहले शुरू शुरू में जब मैं आई थी ना, तो मेरी रे फंसती थी ते स्टेज पे बहुत से लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, और उनकी क्लैप पे निकलती थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता काम करते 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 वो अब कहीं कहीं पे रे फंसती है, बहुत कम, अगर कोई पकड़ ले तो। हाँ, अगर कोई पकड़ ले तो सीधा पर्चा ही होता होगा। नहीं, पर्चा नहीं होता, फिर वो जुगता मार देने थे, अपनी क्लैप कटवा देने, फिर खर्चा होता होगा। खर्चा ते हले साड़ा ही हो रहे हैं। अल्लाह मियाँ आपकी वालदा को जिंदगी तंदुरुस्ती दे, मैंने जैसे आपकी वालदा है
वैसी फील्ड की वालदा मैंने आज तक नहीं देखी, वो आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करती, क्या ये खुला तजाज नहीं? नहीं, उन्होंने बस अच्छा मेरा वो इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन मैं अपना हर मशवरा अपने माँ बाप से लेती हूँ। अभी मेरे अब्बू जो उनसे हैं पैरालाइज हैं, ठीक है, लेकिन मैं घर जाके उनसे पूछती हूँ, दसो केड़ा गाना करा। अच्छा, एंट्री ड्रेस मेरी अम्मी सिलेक्ट करती हैं, मेरे कपड़े मेरी माँ सिलेक्ट करती है, गाने मेरी माँ सिलेक्ट करती है, फिर रोल में जो कमी होती है कि भाई इस जगह तुमने ये कंटिन्यूटी डाल। अच्छा, आधी से ज़्यादा मैं अपनी माँ की कंटिन्यूटियों से हिट हुई हूँ, जो वो शौकी खान साहब के साथ, बब्बू बराल साहब के साथ, मस्ताना साहब के साथ जो उनकी होती थी ना कंटिन्यूटियाँ, वो फिर अम्मी ने मुझे बताई। फिर जब मैंने की तो नासिर साहब, जफरी साहब, वो बड़ी हिट गई, ठीक है। तो वो ज़्यादातर जौन सा है ना, मुझे अम्मी ने ही सपोर्ट किया और उन्होंने बताया। इंटरफेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि जहाँ उनको लगता है मेरी बेटी गलत कर रही है ना, वहाँ वो मुझे चपेट भी मार देती हैं। आपकी वालदा का एक ड्रामा था कंगले प्रोने, इसमें वो माइये सुनाया करती थी, बड़े हिट हुआ करते थे, आपको भी माइये सुनाने का शौक है? अच्छा नहीं, हाले तक ना हो जाए कोई करेक्टर ही नहीं मिले, रोल ही नहीं मिला माइया वाला। वो जो रोल होते हैं ना, वो फिर मैं ना बड़े दिल लगा के करती हूँ, उस पर बड़ी मेहनत करती हूँ, तो मेरा होता है कि मैं इस पर अपना बेस्ट दूँ। नहीं माइया नहीं, माइया माइया टप्पे वगैरह बड़े अच्छे सुनाते थे। जी जी, वो मुझे नहीं आते अभी, वो रोल नहीं मुझे मिला। ये सुनाए, आपको स्टेज पर झुकते होती हैं? नहीं, मुझे झुकते नहीं होती स्टेज पे इतनी, क्योंकि मैं काम से मार देती हूँ ना। हाँ, काम से मार देती है। बड़ा टापियर का मुंह है आपका। कैसी बकवास कर रहे हैं आप, कोई हया शर्म करें, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, हैं आप शोखे हुए जा रहे हैं, मैंने समझा सीनियर इंसान है उसकी रिस्पेक्ट। ऐ कौन है इन्हें बाहर कड्डो, हैं मैं तो सीनियर समझ के इन्हें इंटरव्यू दे रही हूँ, तो तुम मेरे सिर तक टप्पी जा रहे हैं। हम सिर पे कहाँ टप्पे, हम कोई चूचे हैं जो आपके सर पे टपेंगे? चूचे वर्गा तेरा मुंह है, बेड़ा तरे, तेरा खाना खराब हो, तेन तमीज ही नहीं हैगी औरत ना गल करन दी। आप औरत है या लड़की है पहले ये डिसाइड करे। ले कुड़ी होवे तो उस तो बाद औरत नहीं बनती। हाँ औरत बनती है, लेकिन आप तो पूरा कुजा बन चुकी है। ये तू बोतियां गल्ला कर रहे हैं मेरे नाल, मैं एक कसुन तेनु मारना एडा तू चौका, चल निकल तो बाहर। वो थोड़ा सा गुस्से में आई और प्यारी लगना शुरू हो गई। आप गुस्से में बड़ी अच्छी लगती हैं। तेनु हया शर्म नहीं, कब्र च तेरिया लत्ता ने। हाँ मुंह तो बाहर ही है। देखो अपनी उम्र का लिहाज कर, तेरी तियां वर्गियां। हाँ तियां वर्गी कहती रही, लेकिन हम उसको बेटी नहीं समझते, हम ठड़की ठहरे। की मसला है तेनू, मैनू मसला दस, तेनू केड़ा तेरे अंदर की दस, क्यों जुगता मार रहे तेनू बोता शौक है, जा जाके अपना शौक ला स्टेज ते, ऐते की करन आए हैं? वो बिल्कुल कपतियों की तरह लड़ती है, लेकिन उनकी अम्मी तो ऐसी नहीं है। अच्छा मैं कपतियां दी तरह लड़नी है ते लैन के आए, फिर इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं मेरा, चल निकल इत्थों बाहर। आप ये बताएं, हम चले भी जाते हैं लेकिन आपकी मेहरबानी, आप हमारी तौन पे गोडा तो नहीं रखेंगी? मैं तेरी तौन पे एक मारांगी। हां वो पहलवान है, अगर उसने एक मार दी और हमारी चित हो जानी है, इससे पहले कि वो ज्यादा गुस्सा करे हम यहाँ से चलते हैं। चल निकल, चित पित हो जानी तेरी, चल। आप ज्यादा गुस्सा ना करे, आप बहुत प्यारी लग रही है। ओ तो मुझे पता है, मैं बड़ी प्यारी खूबसूरत सी हूँ। गुपलू गुपलू, हाँ 150 वाला पल्ला फिर जुगत लाती है। माफी चाहता हूँ, इज्जत ना गाल करें, तेने इज्जत नहीं रहा। हाँ मुस्तकबिल का सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, काम अच्छी बात है। आप तो माशाल्लाह अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दे, आप जिनका तकिया बनती जा रही हैं। चल बे उठ, चल निकल बाहर, तेनू इज्जत दे रही है। बात तो सुने प्रिया जी, प्रिया जी बात तो सुने। चोखा जी सीनियर समझ के तेरी इज्जत कर रही है, मेरे सिर पे चाड़ रहे हैं, निकल जा बाहर। तू मेरे कमरे जी तो बड़े है ना, मैं जूते ला के सुटूंगी। वो हमें काफ़ी जलील कर कर के अपने काम पे चली गई और हम पीछे निम्मो चाने हो के खड़े रहे। अल्लाह ही है जो हमें कामयाब कर दे। सलाम अलैकुम।